बजट पर मचा सियासी घमासान अब नीति आयोग की बैठक पर शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष ने बॉयकॉट किया, बावजूद इसके बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। लेकिन बैठक को एक घंटा भी नहीं हुआ होगा कि ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि मैंने कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की, विपक्ष से मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। मेरे भी कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी, कितना आगे ले रहे हैं। हाउ कैन यू बी रन व्हेन यू आर इन पावर? यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। वो मौना छे मैंने जो बोलना इतने बोला है उसका बाद में दीदी आपने की वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा वो लेकिन मेरा बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन वो लोगों ने कोई भी पोजिशन मैं अकेला आया लेकिन डॉक्टर। हालांकि ममता बनर्जी के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता का माइक बंद नहीं हुआ, माइक बंद करने की बात बिल्कुल गलत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी वॉज हियर अटेंडिंग द नीति आयोग मीटिंग विच इज बींग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the prime minister, but organizing of the meeting is being done by senior minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the chief minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चली नीति आयोग की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है, देश को इनका फायदा उठाना चाहिए। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, जिनमें एम के स्टालिन, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पी विजयन, हेमंत सोरेन, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। नीति आयोग की इस बैठक में बिहार से डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बहरहाल बजट के बाद अब नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर ममता का बाहर आना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।